हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अपने एनवायरनमेंट मॉड्यूल के डिस्कशन का तीसरा भाग, जिसमें हम लोग शंकर आईएएस बुक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग उसके थर्ड चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने दो चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिए, अगर आपके वो स्किप हो गए हों तो प्लीज़ उसको देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में वो बहुत हेल्प करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, जो एकदम फ्री है। अगर आपने ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि आप इसको प्लीज़ ज्वाइन करें। यहाँ पे हम आपको सभी अपडेट्स तुरंत प्रभाव पे देते हैं और साथ ही साथ जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे आपको फ्री में एक्सेसिबल होगा। तो आप जब ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आप हमारे सभी इनिशिएटिव का हिस्सा बन पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। इससे पहले के दो चैप्टर्स में हमने समझा इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम अपना चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी तरीके का भी अगर इंटर रिलेशन है और वो किसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट है, ये अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं ज़मीन पे यानी कि लैंड पे, तो आप इसको बोलते हैं ये आपकी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का पार्ट हुआ। तो बेसिकली ऐसा इकोसिस्टम जो कहीं ना कहीं लैंड पे एग्जिस्ट करता है, उसमें एक्वेटिक का कोई पार्ट नहीं है, उसको आप कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसी जनजातियाँ होंगी, इन चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो दो फैक्टर हैं, पहला तो मॉइस्चर और दूसरा है टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर है और कितना मॉइस्चर है, इस आधार पे ही आप वहाँ के वेजिटेशन और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर माना है कि इन दोनों एरिया में रेन जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, यानी कि ह्यूमिडिटी तो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, मॉइस्चर अच्छे अमाउंट में है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में वेरी करवा दिया मैंने, तो वहाँ का वेजिटेशन देखिए किस तरीके से चेंज हो गया। पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, यानी कि ये ठंडे इलाके हैं, ये आपके टेम्परेट जोन्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके अच्छी बारिश में पेड़ डेवलप्ड होंगे वो होंगे जनरली कॉनिफेरस ट्रीज, जिनकी जो पत्तियाँ होंगी, जो लीव्स होंगी, उनकी शेप होगी नीडल यानी कि सुई के जैसी। अब अगर वही चीज़ रेन सब कुछ वैसा ही है, मॉइस्चर वैसा ही है, लेकिन टेम्परेचर बदल गया, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये इक्वेटर के आसपास का इलाका है, तो यहाँ पे जो आपके पेड़ मिलेंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, वो आपके एवरग्रीन ट्रीज़ होंगे, जिनकी जो लीव्स होंगी वो बेसिकली ब्रॉड लीव्स होंगी। पिछले वाले में आपने देखा था पतली पतली सुई जैसी लीव्स, यहाँ पे आपकी ब्रॉड लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए अगर आपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे किया और अगर रेन को कांस्टेंट रखा तो कितना वेरी कर गया। अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे रेन को ऊपर नीचे किया, मैंने एक लैटिट्यूड कांस्टेंट मान लिया, समझ लीजिए ट्रॉपिकल के आसपास का मैंने एरिया मान लिया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तो अगर यहाँ पे हैवी रेन आप देखेंगे तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, खूब हरे भरे लंबे लंबे पेड़ होंगे, यहाँ पे आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे जो ये मॉनसून है या फिर आप कहें जो प्रेसिपिटेशन जो रेन है वो कुछ एक स्पेल्स में होती है, कुछ स्पेल वेट होता है, कुछ स्पेल ड्राई होता है, तो यहाँ पे आपको वो एवरग्रीन प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप देखेंगे डेसीडियस ट्रीज जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते जो हैं उनको गिरा देते हैं। फिर वहीं पे आपने रेनफॉल और ज़्यादा कम की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैक्टस टाइप के पेड़ आपको मिलेंगे, कुछ यहाँ पे ज़ीरोफाइटिक पेड़ आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत लिमिटेड है तो इनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत अंदर तक जाएंगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होगा वो बहुत निचले स्तर पर होगा, एवेपोरेशन इतना है कि ज़्यादातर पानी सूख चुका है, तो बहुत नीचे कहीं ग्राउंड वाटर होगा, तो इनकी ली जो रूट्स हैं वो बहुत डीप अंडर द ग्राउंड तक जाती हैं। तो इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं भैया, मॉइस्चर और टेम्परेचर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी वेजिटेशन, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इस चीज़ों को जान सकते हैं। इनके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कुछ हद तक इस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि एक हो गया ऑल्टीट्यूड और दूसरा हो गया लैटीट्यूड। इसके हिसाब से आपका जो
टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो भी ऊपर नीचे होता है और साथ में मॉइस्चर भी ऊपर नीचे होता है। अगर आप कोई पहाड़ माने तो इसमें नीचे के ऑल्टीट्यूड्स पे आप देखें तो अलग टाइप की आपको पेड़ों की प्रजाति यहाँ पे मिलेगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो वहाँ पे हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ड्राई होता चला जाएगा। तो ऊपर जाते जाते प्रजातियाँ और अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी प्रजातियाँ होंगी जो ठंडे वेदर से अडेप्ट कर सकें। जनरली जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट कम होती चली जाती है, और सबसे ऊपर जाके आपको कुछ एल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे मिलने की संभावना है। तो ये जो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, ये भी काफ़ी हद तक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपना प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तुंद्रा बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, जिसमें से एक तो है आपका आर्कटिक और एक है आपका एल्पाइन। दोनों में यहाँ पे हम लोग फर्क समझते हैं। देखिए, आर्कटिक जो होता है वो तो जनरली आपके आर्कटिक सर्कल के आसपास ही होता है, यानी कि इस ऊपर के एरिया में। यहाँ पे जो आपको वेजिटेशन मिलेगा, अगर ये आपका इक्वेटर है तो ऊपर के इलाके में जो आपको वेजिटेशन मिलेगा ये आपको होगा आर्कटिक। ये जनरली आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पोल के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि सदर्न पोल के आसपास मोस्टली जो है सब कुछ ओशियन है, जो लैंड है वो बहुत लिमिटेड है, इसीलिए इस तरीके के वेजिटेशन नीचे की साइड में बहुत लिमिटेड रहेगा। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो आपको ये कनाडा में, अलास्का में, यूरोपियन, रशिया, साइबेरिया, कुछ आर्कटिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है। आर्कटिक में जो आपको यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे उनकी जो हाइट होगी वो काफ़ी कम होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्मॉल प्लांट देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ आपका आर्कटिक। आप समझ गए, लैटिट्यूड के हिसाब से जब हमने कैटेगराइज किया तो हमने देख लिया आर्कटिक तुंद्रा क्या है। अब अगर मैं बात करूँ एल्पाइन, तो एल्पाइन क्या चीज़ है? देखिए, एल्पाइन आपको ऑल लैटिट्यूड पे देखने को मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इन ठंडे इलाकों में देखने को मिले या फिर यहाँ पे। इनफैक्ट आपको एल्पाइन टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है। बस इसमें ये चीज़ होती है कि पहाड़ों पे जो ऊंचे एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब करीब इस एरियाज़ में आपको जनरली एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मानूँ तो 1000 फीट से ऊपर ये आपका एल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। माफ़ कीजिएगा, 1000 नहीं, 10,000, 10,000 फीट से ऊपर आपको एल्पाइन देखने को मिलेगा। सबसे जो एकदम चोटी होती है इस पहाड़ों की, वहाँ पे आपको इस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे होता है, तो जो ट्री लाइन है, जिस ट्री लाइन बेसिकली क्या है, ये वो लाइन है जहाँ तक आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर आपके ट्रीज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ट्री की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहता। तो जनरली जो एल्पाइन है वो 10,000 फीट से ऊपर देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली ट्री लाइन तो नीचे रह जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो पेड़ हैं वो देखने को नहीं मिलते, छोटे छोटे प्लांट ही देखने को मिल पाते हैं। अब अगर हम लोग डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो देखिए, तुंद्रा जो वर्ड है इसका मतलब होता है बैरन लैंड, जहाँ पे कुछ ज़्यादा उग नहीं सकता, वो जो लैंड है वो उसका मतलब है तुंद्रा। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, बहुत सूटेबल नहीं होती कि वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन रह पाए। अब दो टाइप के तुंद्रा हमने देखे, आर्कटिक और एल्पाइन, मैंने आपको समझा दिया है। अब कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? आर्कटिक जो है वो नदर्न फ्रिंज में मिलेगा, कनाडा की, अलास्का की, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया और आर्कटिक ओशन में कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पे। साउथ पोल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जनरली वहाँ मेजॉरिटी में जो है वो है ओशियन लैंड, आपका जो है वो वहाँ पे बहुत कम है। अब यहाँ पे फ्लोरा और फौना क्या मिलती है, ये आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये याद करने वाली चीज़ है। कॉटन ग्रासेस, सेजेस, ड्वार्फ हीथ, विलोज, बर्चेज एंड लाइकन्स, बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब के सब स्मॉल प्लांट्स हैं, इनमें कोई भी ऊंचे लंबे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो फौना है वो कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे कि रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, कार्बियस, लेमिंग्स, स्क्विरल। मोस्टली जो भी यहाँ पे फ्लोरा और फौना होती है उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी लंबी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आर्कटिक विलो को लेके चलें तो इसकी लाइफ करीब 150 से 300 साल तक की होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और वहीं पे साथ साथ जो वहाँ की फौना है
उसको भी कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर रखने होते हैं ताकि वो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रह पाए। तो क्या अडेप्टेशन होते हैं? सबसे पहले तो उसकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और उसमें एपिडर्मल हेयर्स भी होते हैं जिससे वार्म्थ जो है गर्मी अंदर बनी रहती है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी जानवर होते हैं जनरली उनकी बड़ी होती है बॉडी और उनकी पूंछ और कान बहुत छोटे होते हैं, ये इसलिए जिससे हीट लॉस यहाँ से ना हो सके, क्योंकि उनमें जो भी हीट है उनको कंजर्व करके रखनी है। बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत टेम्परेचर डाउन है, तो इस वजह से बॉडी के अंदर की हीट बनी रहे। तो उनके छोटे छोटे कान होते हैं और छोटी टेल होती है, और अल्टीमेटली जनरली आप देखेंगे वहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म बहुत मोटे मोटे फर से कवर्ड होते हैं जिससे उनकी बॉडी में ठंडी नहीं जा सके और शरीर के अंदर की गर्मी वहाँ बनी रहे। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के इकोसिस्टम पे, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट कब बनेगा? फॉरेस्ट तब बनेगा जब वहाँ पे रेन भी सफिशियंट हो प्लस वहाँ पे टेम्परेचर भी सही हो, यानी कि मॉडरेट हो फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे रेन और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ऑप्टिमम रहता है। अब ये जो फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है आपका एवरग्रीन, और दूसरा वाला होता है आपका डेसीडियस। बेसिकली एवरग्रीन जो होता है वो पूरे साल भर आपको हरा भरा दिखता है, डेसीडियस जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक सीज़न में अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पत्तियां ही नहीं हैं, सिर्फ पेड़ और उसके तने यहाँ पे इस तरीके से हैं। और फिर इसी के साथ हम ट्रीज़ को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले होते हैं उसमें ब्रॉड लीफ, जिनकी जो लीफ होती है वो काफ़ी ब्रॉड इस तरीके की होती है। अब इसमें जो है ये कुछ अडेप्टेशन है जो उसके क्लाइमेट, उसके जो लैटिट्यूड है उसके आधार पे वहाँ पे आए हैं, और इसी ब्रॉड लीफ को आप हार्डवुड भी कई बार कहते हैं। जनरली जो डेसीडियस पेड़ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन कई बार कॉनिफर भी हो जाते हैं, पर मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो डेसीडियस ब्रॉड लीफ ही होते हैं। फिर उसके बाद बात करें नीडल लाइक, तो इसमें जो पूरा पेड़ है उसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो उसकी पत्तियां होंगी वो सुई की तरह तीखी होंगी, ये आपको जनरली कॉनिफर में देखने को मिलता है। फिर अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लैटिट्यूड के आधार पर बांटे तो तीन बड़े बड़े हमारे सामने डिविजन्स निकल के आते हैं, जिसमें पहला है कॉनिफर, दूसरा यहाँ पे है टेम्परेट, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल। ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली ये होते हैं लैटिट्यूड के आधार पे। जब आप नॉर्थ से साउथ की दिशा में जाते हैं तो वो इसी अकॉर्डिंग आपके सामने आते हैं। अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिफरस की। ये जो है इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इस तरीके के होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, और इसमें जो इनकी लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, तीखी और पैनी लीव्स होती हैं इनकी। ये जनरली मिलता कहाँ है? ये आपको कोल्ड रीजन्स मिलेंगे, ऐसे रीजन जहाँ पे रेनफॉल तो बहुत हाई है और विंटर्स लंबी हैं, समर्स काफ़ी छोटी हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई है, तो हाई रेनफॉल होने की वजह से जो यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे वो होंगे आपके एवरग्रीन ट्रीज। तो ये हमने कनेक्ट किया। इस तरीके से पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम का याद रखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल हाई है तो यहाँ पे आपको पेड़ मिलते हैं एवरग्रीन, और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल हाई है तो देखिए लगातार बारिश की वजह से जो सॉइल है उसमें कुछ सॉल्ट्स नीचे की तरफ लीच हो जाते हैं, मतलब वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम। तो ये जो है ये आपके नाइट्रोजन पोटेशियम क्योंकि नीचे लीच हो गए तो ऊपर क्या है, देखिए ये जनरली सॉल्ट कैटेगरी जो है वो बेसिक होती है, तो ऊपर जो सॉइल रह गया वो हो गया एसिडिक। तो जनरली ये जो सॉइल होते हैं ये एसिडिक होते हैं, मिनरल डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के साथ जब पानी नीचे गया तो बहुत सारे मिनरल्स जिसके एग्जाम्पल है कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, वो बह के नीचे चले गए। और क्योंकि साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि समर जो है वो शॉर्ट है, तो समर शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन अच्छा होता नहीं, तो जो चीज़ें नीचे गई हैं वो वापस ऊपर खींच के नहीं आती, इस वजह से जो सॉइल की ऊपरी सतह है वो मिनरल से डेफिशिएंट होती है। फिर क्योंकि ये इलाका जो है कोल्ड है
तो कोल्ड एरियाज़ में मैं आपको बताऊं, बैक्टीरियल एक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन स्लो है, इस वजह से यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। तो क्योंकि डिकम्पोजिशन स्लो है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से बोरियल फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम होती है, और वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है कम्युनिटी की वो भी कम होती है। क्योंकि अच्छी फर्टिलिटी नहीं है, अडेप्टेबल कंडीशन नहीं है, तो कम्युनिटी वहाँ पे कम ही सस्टेन कर पाती है। तो ये देखा आपने कॉनिफरस फॉरेस्ट। याद रखने के लिए आप इसी तरीके से कनेक्ट करें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर हम आते हैं अगले टाइप के इकोसिस्टम की तरफ। इसमें क्या है, टेम्परेट डेसीडियस है। देखिए, डेसीडियस आपको जहाँ भी मिले तो आप ये श्योरिटी के साथ मार्क कर सकते हैं कि भाई किसी एक सीजन में तो ऐसा होगा जब ये वाले पेड़ अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं और वो बेयर हो जाते हैं। क्योंकि ये टेम्परेट है, तो इसीलिए ये विंटर्स में अपने सभी पत्तों को गिराता है। और इसमें नई फॉयलेज कब आती है, यानी नए पत्ते कब आएंगे, वो आएंगे स्प्रिंग सीजन में। ये वाले बेसिकली ब्रॉड लीव्ड होते हैं, यानी कि इनकी जो लीफ है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। ऊपर वाले जो थे वो थे नीडल लीव्ड। तो यानी कि दो अलग अलग टाइप के आपने पेड़ यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो होता है मॉडरेट, और जो बारिश है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में होती ही होती है। अब यहाँ पे जो सॉइल टाइप है वो होता है पोडजोलिक। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझाता हूँ, पोडजोलिक और लैटराइट सॉइल में क्या डिफरेंस है। देखिए, जनरली जब भी ठंडे या फिर टेम्परेट एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो ये बात तो श्योर है कि जो सॉइल के ऊपर यहाँ पर न्यूट्रिएंट होंगे, ये पानी के साथ नीचे की तरफ लीच हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस होता है। अब अगर ये टेम्परेट रीजन में हुआ, तो फिर यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होती है वो होती है पोडजोल। और अगर यही सेम चीज़ आपको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिली, यानी कि गर्म इलाका है वो थोड़ा कंपैरेटिवली, यानी कि वो नीचे के लैटिट्यूड्स पे है, इक्वेटर के पास में है, तो वहाँ पे क्या होगा, होना तो वही है कि मिनरल जो है वो बारिश के साथ नीचे लीच होते हैं। लेकिन ये जो गर्म इलाके हैं, यहाँ पे जनरली जो लीच होते हैं उसके बाद ऊपरी सतह पे आपको आयरन मिलेगा और अल्यूमिनियम मिलेगा। और आयरन की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो सॉइल होते हैं ये रेड होते हैं, या फिर ये येल्लोइश रेड भी आपको दिख सकते हैं। तो ये जो सॉइल है इसको आप कहते हो लैटराइट सॉइल्स। और वही चीज़ जब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है टेम्परेट रीजन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, आई सपोज सिलिकन ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से ये सिलिका उसको ग्रे कलर देता है। तो पोडजोल जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, और नीचे लैटराइट जो होते हैं वो होते हैं रेड या फिर येल्लोइश रेड। होना ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, आपके जो मिनरल्स हैं वो नीचे लीच हो जाएंगे बारिश के साथ, लेकिन यहाँ पे लैटिट्यूड का फ़र्क है, यहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क है। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये सब के सब टेम्परेट रीजन में है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म रेनफॉल है, अच्छी रेनफॉल होती है, तो वही आपको पोडजोलिक सॉइल मिलेगा। फिर हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये बेसिकली आपको जो जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एग्जिबिट करते हैं एरियाज, उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब भाई मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, ये एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे बारिश होती है विंटर्स में, सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में यहाँ पे सूखा बना रहता है। और क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे ड्राइनेस या फिर सूखा बना रहता है, इसीलिए यहाँ पे फायर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया समर्स ड्राई से। इसका नाम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इसलिए रखा गया क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के जो इलाके, वहाँ पे जनरली आपको इस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो उसी सी के नाम पे इस क्लाइमेट का भी नाम रखा गया। यहाँ पे विंटर में बारिश होगी, समर्स आपकी ड्राई रहेंगी, सूखी रहेंगी, जो आपके पेड़ होंगे वो ब्रॉड लीफ पेड़ होंगे, और उसमें भी यहाँ पे आपको एवरग्रीन पेड़ों की प्रजाति देखने को मिलेगी। अब क्योंकि इस टाइप के फॉरेस्ट में फायर एक इम्पॉर्टेंट हैजार्ड के रूप में आता है, इसीलिए प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। उसी अनुसार प्लांट्स अडेप्टेड हैं, और फटाफट से अगर एक बार जल जाते हैं तो क्विकली रीजनरेट भी अपने आप को कर लेते हैं। अब आते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पे। टेम्परेट में हम लोगों ने तीन तरीके के फॉरेस्ट देखे। सबसे पहला था टेम्परेट एवरग्रीन, फिर था टेम्परेट डेसीडियस, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब क्योंकि रेन इसके नाम में ही है, तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे रेनफॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
और यहाँ पे फॉग भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे वो अबंडेंट है, भर भर के मौजूद है। इस हाई रेनफॉल की वजह से ही यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग तरीके के बहुत सारी स्पीशीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। भले ही आप प्लांट्स देखें या फिर एनिमल देखें, सबकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पीशी होती है। हालांकि अगर यही चीज़ हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में टेम्परेट में स्पीशीज़ कम मिलेंगी ट्रॉपिकल में, क्योंकि टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो गया, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है वेदर, इस वजह से कुछ स्पीशी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती, पर ट्रॉपिकल में जो टेम्परेचर है वो भी सूटेबल है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीशी आपको देखने को मिलती हैं। अब ट्रॉपिकल कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये इक्वेटर के आसपास आपको दिखेगा, सबसे डाइवर्स होता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है और यहाँ पे रेन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट रेनफॉल की बात करें अगर टर्म्स में तो 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होती है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा एक्सीड करती है। अब क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था अगर हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखेंगे हाई रेनफॉल होगा तो सॉइल के ऊपर के न्यूट्रिएंट लीच होकर नीचे तो जाएंगे ही जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा सॉइल बनेगा, यहाँ पे रेड लैटोसोल्स बनेंगे, यानी कि लैटराइट बनेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अगर यही चीज़ आप ऊपर टेम्परेट में देखते तो वहाँ पे पोडजोल आपके सामने आता, और क्योंकि ये लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से ये एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए पूरी तरह यूजलेस है, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट तो बह के नीचे चले जाते हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे ठीक है कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सूटेबल है, ऑप्टिमम है, तो इसीलिए अगर ये सॉइल काफ़ी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दी जाए, इस पर किसी तरीके का कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना किया जाए, तो इसमें न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है तो बैक्टीरिया का जो एक्शन है वो काफ़ी क्विक होगा, बैक्टीरिया एक्शन काफ़ी क्विक है तो डीकम्पोजिशन यहाँ पे अच्छे से होगा, और डीकम्पोजिशन अच्छे से हुआ तो फटाफट जो है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाएंगे और वो रिसाइकलिंग बहुत क्विक हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में ये अच्छे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जनरली जो पेड़ हैं बहुत लंबी लंबी हाइट के होते हैं तो नीचे वाले पेड़ों को ये उगने नहीं देते, और जनरली अंडरग्रोथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की लाइट है वो आ नहीं पाती, लंबे वाले पेड़ पूरी सनलाइट को रोक लेते हैं, नीचे अपनी छाया डालते हैं, तो बहुत अंडरग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्टेड रहती है। हालांकि इसी जगह पे आपको वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन से मेरा मतलब है, देखिए अगर कोई पेड़ है ये वो इतना लंबा हुआ तो हो सकता है अगला पेड़ थोड़ा उससे छोटा हो, अगला पेड़ उससे और छोटा हो, अगला पेड़ उससे और छोटा हो, तो इस तरीके से स्ट्रैटाज बने हुए हैं, मतलब लेयर्स बनी हुई हैं, तो ये आपको स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम चलते हैं ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट की तरफ, या फिर उसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल तो काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन वो सीजन्स में बटी हुई है। सीजन में मतलब अगर एक पूरा पीरियड आया जहाँ पे बहुत बारिश हुई, फिर उसके बाद कुछ पीरियड आएगा ड्राई, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ पीरियड आए बारिश वाला, तो यानी कि वेट ड्राई इस तरीके के पीरियड्स में रेन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये चीज़ आपको साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक यहाँ देखने को मिलती है। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली ब्रॉड लीव्ड होंगे, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया क्योंकि ये निचले इलाकों में, ऊपर अगर टेम्परेट रीजन में होते तो संभावना होती नीडल लाइक लीव्स की, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लीव्स होती हैं क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया है तो यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छी होगी। और आपको एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे। अब भाई ये एपीफाइट्स क्या होता है, देखिए एपीफाइट्स मान लीजिए अगर आपका ये कोई पेड़ है और उसका ये ट्रंक इस तरीके से जा रही है तो इस ट्रंक पे कुछ अपने आप से छोटा सा अलग ही उग रहा होगा जो इस पेड़ का हिस्सा नहीं है, तो ये जो अलग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई छोटा सा प्लांट यहाँ पे उग रहा है उसको आप कहते हैं एपीफाइट। लेकिन ध्यान रखिए एपीफाइट जो है वो पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट क्यों नहीं है, क्योंकि पैरासाइट जो होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुँचाता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के कोई छोटा सा अगर कीड़ा, कोई टिक अगर उसके चिपक जाता है तो उसके अंदर का वो ब्लड सक करता है, वो उसका खून चूसता है, इससे उस जो एनिमल है उसको बहुत हार्म पहुंचता है। ये जो है ये सिर्फ पेड़ को अपने सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये पेड़ के कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कुछ ज़्यादा इस मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा कि वो पेड़ को हार्म पहुँचाए, तो इसीलिए एपीफाइट जो है वो पैरासाइट नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें।
यहाँ पर जो एनिमल आपको मिलेंगे वो उसी तरीके के मिलेंगे जैसे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिले थे। फिर उसके बाद हम आते हैं इंडियन फॉरेस्ट टाइप पे। भारत के जो फॉरेस्ट है उनको 16 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है दो वैज्ञानिकों द्वारा जिनका नाम है चैम्पियन एंड सेठ। तो देखिए उसमें उन्होंने जो पहला क्लासिफिकेशन किया है वो है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। क्योंकि ये वेट है इस वजह से आप क्या समझेंगे, यहाँ पे जो रेन की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इंडिया में देखें तो किन एरियाज़ में बहुत अच्छी बारिश होती है, उसमें से एक तो है वेस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ये घाट्स हैं। जब यहाँ से मॉइस्चर कैरिंग विंड इस वेस्टर्न घाट से आके टकराती है तो यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल कॉज करती है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी इलाका जहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है वो भी इसी एवरग्रीन के अंदर आता है। और तीसरा आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा जहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको उसी तरीके के स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलते हैं क्योंकि वेट एवरग्रीन है, और आपको एपिफाइट्स भी देखने को मिलते हैं। और एपिफाइट के रूप में आप यहाँ पे ऑर्किड्स और फर्न्स को देख सकते हैं। ये पेड़ के तनों पे धीरे धीरे से ग्रो करते हैं और जब आप देखेंगे तो बड़े सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपके पेड़ के ऊपर यहाँ पे कुछ फर्न्स कुछ ऑर्किड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं, वो एवरग्रीन होते हैं, वो आपने नाम में ही देख लिया। पेड़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जैक फ्रूट, बीटल नट या फिर पाम ट्री, ये आपने देखा है बहुत लंबे पेड़ होते हैं इस तरीके से। फिर उसके नीचे दूसरे पेड़ होते हैं छोटे छोटे, तो आपको यहाँ पे टीयर पैटर्न भी देखने को मिलता है, यानी कि जो हमने स्ट्रैटिफिकेशन की बात की थी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग सेमी एवरग्रीन पे, यानी कि पिछले में जितनी बारिश हो रही थी उससे थोड़ी सी ही बारिश बस यहाँ पे कम है। तो ऑलमोस्ट ये इलाके तो सब वही होंगे, देखिए वेस्टर्न घाट पिछले में भी था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो भी पिछले में था, और ईस्टर्न हिमालयाज, आपके जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट। तो ये जो है पुराने वाले से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, ये बेसिकली ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है। इससे ऊपर आपने देखा था वेट एवरग्रीन था आपके पास, अब इसके नीचे आप देखेंगे तो आपके मॉइस्ट डेसीडियस शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि एवरग्रीन से जो डेसीडियस तक का सफ़र है वो आपको इस सेमी एवरग्रीन के थ्रू पूरा करना पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग इस वाले पे, यानी मॉइस्ट डेसीडियस। ये मॉइस्ट जो डेसीडियस है, क्योंकि डेसीडियस है तो आप समझ गए होंगे एक पर्टिकुलर सीज़न में ये अपने सारे पत्ते गिरा देंगे, तो वो जनरली होता है ड्राई सीज़न में। ड्राई सीज़न में ये अपने सारी ही लीव शेड कर देते हैं, और क्योंकि मॉइस्ट है तो देखिए यहाँ पे हम लोग ह्यूमिडिटी के आधार पे काफ़ी चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। मॉइस्ट है तो यहाँ पे रेन तो है काफ़ी, हालांकि पहले और दूसरे वाले से थोड़ी कम रेन है। अब ये जो फॉरेस्ट है ये मैक्सिमम इंडिया को कवर करता है, इनफैक्ट ये पूरे इंडिया में पाया जाता है सिवाय दो इलाकों के, एक तो वेस्टर्न और एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी कि ये जो राजस्थान और गुजरात वाला रीजन है इस वाले रीजन में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जो पेड़ आपको देखने को मिलते हैं वो उसमें साल है, ठीक है, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड यहाँ के कुछ कॉमन ट्रीज हैं। फिर हम देखते हैं लिटोरल या फिर स्वैम्प, यानी कि जो भी पानी के आसपास के इलाके हैं या फिर जो कि अपनी मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पानी में ही कैरी करते हैं उनको हम लिटोरल स्वैम्प में कंसिडर करते हैं। कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और आपके गंगा के डेल्टा के आसपास, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के आसपास। अब क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये बेसिकली पानी में डूबे रहते हैं, तो इस वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, उनमें सॉफ्ट टिश्यू आपको मिलेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की मदद से क्या होगा, प्लांट अंडर वाटर भी सांस ले पाएगा। फिर हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमारे सामने आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस है तो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपने पत्ते गिरा देगा, ड्राई है तो यहाँ पे यानी कि रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम हो गई है, तो इसी वजह से इसकी जो कैनोपी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो 25 मीटर से कम ही होती है। ये हमारे भारत देश के पूरे नदर्न इलाकों में मिलता है, कुछ एरियाज़ को छोड़ के जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो रेन है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ पे ड्राई है तो ड्राई में कम रेन चाहिए, तो ये बाकी इलाकों में होता है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए कुछ सदर्न इलाकों में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके अलावा नॉर्थ में अगर आप देखें तो मोस्टली हर एक इलाके में आपको ड्राई डेसीडियस देखने को मिल ही जाएगा। इसमें जो पेड़ हैं वो हैं साल, अकेशिया, बैम्बू,
तो ये नाम आप कुछ याद कर लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले पे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये थॉर्न है। अब थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ बनेगा भाई, जहाँ पे रेन जो है वो और कम हो जाएगी। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसमें जो रेनफॉल है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो एरिया जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगा वहाँ पे रेन काफ़ी कम होती है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल या साउथ इंडिया में, जहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल मिले वहाँ आपको संभावित है कि थॉर्न फॉरेस्ट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम है। तो ये जो पेड़ हैं ये 10 मीटर से लंबे नहीं होते, तो इनकी हाइट भी मैक्सिमम 10 मीटर तक ही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कैक्टस, केपर, स्प्रूज, तो ये जो है ये अलग से अडेप्टेड होते हैं बेसिकली कम रेन में सस्टेन करने के लिए। फिर हम लोग आते हैं ड्राई एवरग्रीन पे। देखिए वहाँ पे पेड़ तो एवरग्रीन है लेकिन ड्राई है, मतलब बारिश तो कम हो रही है लेकिन फिर भी एवरग्रीन पेड़ मिल रहे हैं, तो वो कैसे होगा? वो यहाँ पे बेसिकली जो रिट्रीटिंग मॉनसून है हमारा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि देखिए इसमें जब वापस जाता है मॉनसून, तो यहाँ से वो जाएगा, तो ये समुद्री इलाका है, बंगाल की खाड़ी है आपका, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से मॉइस्चर उठा लेता है और इस वाले तट पे वो बारिश करता है। तो यानी कि वापस जाते हुए मॉनसून से भी यहाँ पे बारिश होती है। उन इलाकों में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का कोस्ट। हालांकि यहाँ पे ओनली एवरग्रीन नहीं मिलते, कुछ कुछ यहाँ पे डेसिडियस भी मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एवरग्रीन की ही होती है। फिर हम लोग चलते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। अब मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड थोड़ा सा बदल दिया, तो ये आपको ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, साइलेंट वैली जो कि वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है वहाँ पे स्पेशल रूप से आपको ये देखने को मिल सकते हैं। अब वेजिटेशन जो है ईस्टर्न हिमालय में अगर आप देखें और साइलेंट वैली में देखें तो काफ़ी अलग है। साइलेंट वैली में तो आपको पूंसपार, सिनेमन, रोडोडेंड्रॉन, फ्रेग्रेंट ग्रास, इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि ईस्टर्न हिमालय में जो वहाँ का फ्लोरा है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है और वहाँ पे फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए एक पैच ऑफ लैंड है, ये एक छोटा सा आपको लैंड दिखा, आपने देखा कि भैया ये लैंड सही है, यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इन पेड़ों को काट देंगे, तो उस लैंड को आप क्लियर करेंगे। जो बचा हुआ इसमें वेजिटेशन है उसको आप यहाँ पे जला देते हैं, यानी कि बचा हुआ वेजिटेशन जो है वो बर्न डाउन किया जाता है। एक बार जला दिया गया तो उसकी जो राख है, जो ऐश है, उसको आप मिक्स कर देंगे सॉइल के साथ। फिर उसके बाद 2 से 3 साल तक वहाँ पे कुछ ना कुछ उगाया जाता है और यहाँ पे जो यील्ड होती है वो ठीक ठाक होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है। फिर 2-3 साल बाद आप इस लैंड को खाली करके आगे चले जाते हैं और कोई और दूसरा ऐसे ही लैंड ढूंढते हैं जहाँ पे आप इसी तरीके से पेड़ काटेंगे, वहाँ की बची हुई वेजिटेशन को जलाएंगे, वहाँ में जो ऐश निकली या फिर जो राख निकली उसी को सॉइल में मिलाएंगे और फिर उसके ऊपर खेती करेंगे। इस तरीके से जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं अपना कल्टीवेशन, तो उसमें आप वहाँ के वेजिटेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और यही चीज़ आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न हिमालयाज में, जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेविलेंट है। फिर ये सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमको ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च और चेरी जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। अगला हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। हमने लैटिट्यूड थोड़ा सा बदल दिया है, पाइन फॉरेस्ट पे हमने यहाँ पे फोकस किया है। तो ये कहाँ मिलेगा? ये स्टीप स्लोप्स पे जनरली मिलता है, यानी कि जो तीखी नुकीली स्लोप्स होती हैं, और वो भी स्लोप्स कहाँ की? या तो शिवालिक पे आपको देखने को मिल सकता है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज पे, खासी नागा मणिपुर हिल्स में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जो ऊपर का आपका इलाका है, तो इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो पेड़ आपको मिलेंगे वो होगा चिर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन। पाइन तो वो पर्टिकुलर नाम से ही है, तो ये काफ़ी मेजॉरिटी में होगा। उसके अलावा साल, आमला और लेबरनम, ये आपको निचले इलाकों में देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टीप स्लोप के इस नीचे के इलाकों में आपको ये कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप ऊपर के इलाके देखें तो ये सारे पेड़ आपके सामने आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग 1000 मीटर की हाइट पे जाएं, मेनली शिवालिक हिल्स में, तो हमको सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर अगला देखें हम तो माउंटेन वेट टेम्परेट, यानी कि अब हम माउंटेन के हिसाब से जनरली क्लासिफाई कर रहे हैं। माउंटेन वेट टेम्परेट जो हैं, वेट हैं तो यहाँ पे बारिश आपको पता है अच्छी होगी, टेम्परेट हैं क्यों, तो यानी कि ये माउंटेन के ऊपर के इलाकों में होंगे जहाँ पे थोड़ा ठंडा वेदर होगा।
तो जो नॉर्थ साइड में आप देखें तो आपको ये नेपाल के आसपास अरुणाचल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 2000 mm से ज़्यादा या कम से कम 2000 mm तक तो है ही। और साउथ में भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स पे। दो पॉइंट यहाँ पे बहुत ध्यान में रखने वाले हैं। पहला तो अगर आप जब नॉर्थ में जाएंगे तो आपको तीन लेयर में ये देखने को मिलेंगे। तीन लेयर से मेरा मतलब है, देखिए समझ लीजिए, ये आपका पहाड़ है नॉर्थ में, हिमालयाज हैं, तो आपको सबसे ऊपर तो हाईएस्ट लेयर में यहाँ पे आपको मिलेगा कॉनिफेरस। फिर उसके बाद जो आपका मिडिल लेयर है, यानी कि यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डेसीडियस, ये आपका कॉनिफेरस है, नीडल लाइक लीव्स हैं जिसकी। नीचे जो है आपके लोएस्ट वाले में, यहाँ आपको रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे आपको चंपा मिलेंगे। तो आप देखें एक ही पहाड़ पे तीन लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर साउथ में जाएंगे तो इस तरीके का डिवीजन नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो नॉर्थ में फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा डेंस हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेस्ट इन साउथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रूर याद रखें। फिर रेनफॉल के आधार पे ही वेट के बाद हम देखते हैं मॉइस्ट और ड्राई। ये हिमालयन रीजन्स पे देखने को मिलता है, टेम्परेट है क्योंकि ऊपरी इलाकों में देखने को मिलेगा हिमालयास के। ये पूरे वेस्ट से लेकर ईस्ट हिमालय तक फैला हुआ है। यहाँ पे आपको ओक, ब्राउन ओक, वॉलनट या रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर ड्राई की बात करें तो ये बेसिकली लाहौल, किन्नौर और सिक्किम के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओक, मैपल और ऐश तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो कुछ नाम दिए हुए हैं ये तो हमको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ कुछ नाम मेंशन कर पाएँ। फिर देखिए आगे हम उसी हिमालय की एकदम चोटी पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आप चोटी पे जाएंगे यहाँ पे तो आपको कौन सा वेजिटेशन मिलेगा, तो आपको मिलता है एल्पाइन वेजिटेशन। अब यहाँ पे एल्पाइन को भी यहाँ पे हम लोगों ने बारिश के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले मैंने सब एल्पाइन लिया है, यानी एल्पाइन से थोड़ा नीचे, हालांकि है तो ऊपरी इलाकों में ही लेकिन एल्पाइन से थोड़ा नीचे है, तो ये हो गया आपका सब एल्पाइन। ये आपको देखने को मिलता है 2900 से 3500 मीटर के बीच में, कश्मीर से अरुणाचल तक फैला हुआ है। यहाँ पे जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन जैसे पेड़ मिलेंगे। रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले एल्पाइन पे। एल्पाइन में दो हिस्से हमने कर लिए, एक तो रेनफॉल के आधार पे जहाँ पे अच्छी बारिश है मॉइस्ट, और एक जहाँ पे कम बारिश है जो कि ड्राई। तो एक हो गया आपका मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब और दूसरा आपका हो गया ड्राई एल्पाइन स्क्रब। मॉइस्ट वाला जनरली आपको हिमालयाज में मिलेगा। यहाँ पे आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कई बार देखने को मिलता है, रोडोडेंड्रॉन और बर्च जैसे पेड़ भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पैचेज में आपको यहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस भी देखने को मिलते हैं। और इसी इलाके में आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है। देखिए क्योंकि आपने इसको मॉइस्ट के अंदर कैटेगराइज किया, लेकिन ये इस हाइट पे है जहाँ पे बारिश पड़ते पड़ते धीरे धीरे बर्फ बन जाती है, तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है। फिर ड्राई एल्पाइन देखें तो वो और ऊपर चले गए हम लोग। देखिए एल्पाइन में हम गए हैं सब एल्पाइन, आपने देखा था 2900 से आपका 3500 तक था। अब उसी के ऊपर और जाएंगे तो आपका एल्पाइन आ जाता है। एल्पाइन में भी मॉइस्ट देख लिया, अब ड्राई देखते हैं। ड्राई में देखिए जो रेनफॉल है, जो स्नोफॉल है, कंपैरेटिवली कम होगी। यहाँ पे आपको जो पेड़ देखने को मिलेंगे वो है ब्लैक जूनिपर, ड्रूपिंग जूनिपर, हनी सकल और विलो। तो टोटल ये 16 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है भारत का फॉरेस्ट, और ये चैम्पियन एंड सेठ का क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते हैं कुछ जनरल पॉइंट, जैसे कि फॉरेस्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेस्ट नेचुरल बैलेंस बना के रखते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, क्लाइमेट एक छोटे लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। ये रेन को बुलावा देते हैं, प्रेसिपिटेशन बढ़ाते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं। जो आपके पेड़ हैं, इन पेड़ की जो जड़ें हैं ये माइक्रो डैम की तरह काम करती है, यानी कि छोटे छोटे बांध की तरह काम करती है, जिससे एक तो वहाँ का वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, और दूसरी बात सॉइल इरोजन नहीं होता। तो अगर आप पेड़ काट देंगे तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सॉइल इरोजन इस तरीके से रोकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्यूल और टिम्बर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली कई बार ये रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि आप पेपर इंडस्ट्री ले लें या फिर आप फर्नीचर इंडस्ट्री ले लें, तो उसमें आप जानते हैं कि डायरेक्टली पेड़ काट के यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन समस्या तब हो रही है जब आज के समय में हम लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, कुछ कॉजेज हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैंने आपको समझाया कि एक पर्टिकुलर इलाके को पूरी तरह क्लियर कर दिया जाता है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको जला दिया जाता है, जो ऐश यानी कि राख प्रोड्यूस हुई उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और फिर उस पर कल्टिवेशन किया जाता है करीब 2 से 3 साल तक।
उसके बाद उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया की तलाश में निकल जाया जाता है। इस सब से आपका कल्टीवेशन तो हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पेड़ पौधे थे उनको कितना नुकसान हुआ, आपने काट डाला उनको, तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, फ्यूल की रिक्वायरमेंट आज बढ़ती जा रही है। तो अगर आपकी भैया डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी तरफ आपको सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब आप ज़्यादा पेड़ काटें तो आप फ्यूल सप्लाई बढ़ा पाएंगे, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। रॉ मटेरियल्स की नीड बढ़ रही है, वही सेम चीज़ डिमांड और सप्लाई का आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, कई बार जो फायर होती हैं उससे पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, कई डिजीज़ कीड़े लग जाते हैं, और हम अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के लिए भी कई पेड़ों को काट रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे कम होते चले जाएंगे, डिग्रेड होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेन जो है वो भी कम होती जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बारिश को बुलावा देते हैं, कैसे, यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस होता है जिससे कि आगे जाके प्रेसिपिटेशन में हेल्प होती है, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो बारिश भी कम हो जाएगी। उससे और भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगी, तो इसलिए वापस रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा जो पानी कम हुआ है। जो हमारा रीयूज साइकिल था, जो हमने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट जाके वापस आते हैं सॉइल में, वो भी यहाँ पे टूट जाता है, और जो पानी है वो अंदर परकोलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे रन ऑफ होता रहता है और पानी हमारा रिचार्ज नहीं कर पाता ग्राउंड वाटर को। माइनिंग की वजह से बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषित हो रहा है आपका पर्यावरण, इरोजन अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड जो माइनिंग हो रही है उससे भी जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्वालिटी खराब होती चली जा रही है, बहुत पोल्यूशन फैल रही है, भले ही ग्राउंड वाटर पोल्यूशन मान ले आप, या फिर एयर पोल्यूशन मान ले, या फिर नॉइस पोल्यूशन मान ले, ये सब के सब जो है पेड़ कटने से फैल रही है। नॉइस पोल्यूशन इस तरीके से क्योंकि जो पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक नॉइज़ एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, वो आने वाली नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप तक पहुंचने वाली नॉइज़ को काफ़ी कम कर देते हैं, लेकिन अगर पेड़ नहीं हुए तो इसी तीव्रता से ये नॉइज़ आपके पास पहुंचेगी और नॉइज़ पोल्यूशन ये कॉज करेगी। फिर हम लोग देखते हैं ग्रासलैंड का इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, जो टिपिकल ग्रासलैंड है वो तो आपको ठंडे इलाकों में ही मिलेगा, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट में। इसमें कुछ रेनफॉल होती है 25 से 75 सेंटीमीटर पूरे साल भर में, इसीलिए इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरे पेड़ों को बड़े बड़े सस्टेन कर पाए, इसी वजह से यहाँ पे जनरली ग्रासेस आराम से ग्रो हो पाती हैं। उसके अलावा ये जो सॉइल है ये बेसिकली सेलाइन सॉइल होती है। सेलाइन सॉइल आप ऐसे याद रखें कि भैया जो ग्रासेस ग्रो होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, तो ये अगर सॉइल में कैल्शियम की मौजूदगी हुई तो वहाँ पे ग्रासेस की ग्रोथ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल कंडीशन तैयार हो जाती हैं। तो सेलाइन, अगर कैल्शियम ऑलरेडी सॉइल में मौजूद हुआ तो वो ऑब्वियसली सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर का है, तो वो सेलाइन या फिर सॉल्टी सॉइल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सैंडी सॉइल भी देखने को मिलता है। अगर हम टिपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो भारत में वो कुछ इलाकों में मिलता है, जैसे कि हिमालयाज के ऊपर बिल्कुल इलाकों में, हमने बात की कि वो टेम्परेट रीजन में मिलता है, टेम्परेट यानी कि आपके ठंडे इलाके, तो ठंडे इलाके हिमालयाज की चोटी के आसपास आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे भुग्याल्स मान सकते हैं, जो आपको हाइट पे देखने को मिलते हैं। अगर इनके अलावा बात करें तो बाकी इंडिया में आपको या तो सवाना या फिर स्टेप्स ही देखने को मिलेंगे। अब भाई सवाना और स्टेप्स में क्या फ़र्क है? देखिए, सवाना और स्टेप्स जो हैं उनमें फोरेज यानी कि फूड और बाकी सभी प्रोविजंस कितने टाइम तक मिलते हैं, इस आधार पे आप उनको डिवाइड करते हैं। अगर आप सवाना की बात करें तो सवाना में ना सिर्फ वेट सीजन में, लेकिन आपको ड्राई सीजन में भी वहाँ पे घास मिलेगी, वहाँ पे पक्षी, वहाँ पे जानवर सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे जब आपका वेट पीरियड होगा, यानी कि जब बारिश होगी, तब उसी समय आपको घास देखने को मिलेगी, फोरेज मिलेगा और अलग-अलग प्रोविजंस मिलेंगे, लेकिन ड्राई सीजन में यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो जो राजस्थान का वेस्टर्न इलाका है वहाँ पे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रेन है वो काफ़ी कम होती है, 10 से 11 महीने रेन नहीं होती, मुश्किल से 1-2 महीने यहाँ पे बारिश होती है, और उन 1-2 महीने में ही आपको यहाँ पे स्टेप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें सवाना की, तो राजस्थान के ही सेंट्रल इलाके में, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रेन होती है,
और उसकी ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे आपको सवाना देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्राई पीरियड होता है यानी कि जब बारिश नहीं होती वो 6 से 8 महीने का होता है, लेकिन अगर इस तरफ आप देखेंगे जैसलमेर बीकानेर साइड तो वो 10 से 11 महीने आपको कोई बारिश नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपको स्टेप्स काइंड ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे, इस तरफ आपको सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलेंगे। अब अगर हम लोग भारत के टर्म में बात करें तो भारत में अलग अलग 6 तरीके के ग्रासलैंड आपको देखने को मिलते हैं, उनमें 4 जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। पहला है आपका सेमी एरिड जोन में मिलने वाला या फिर सेहिमा डाइकैंथियम टाइप, ये कहाँ मिलता है, ये आपको नदर्न पार्ट में मिलता है और उसमें भी ये आपको गुजरात राजस्थान अरावली को छोड़ के उत्तर प्रदेश दिल्ली और पंजाब के आसपास मिलता है, क्योंकि ये सेमी एरिड है इस वजह से ये अरावली को छोड़ देता है, अरावली में कुछ हद तक बारिश होती है सदर्न अरावली पे, वो भी तो वहाँ पे एरिड एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे जो टोपोग्राफी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए हैं, इसका मतलब कहीं पे आपको सैंड ड्यून देखने को मिल जाता है, कहीं पे वो सैंड ड्यून मोबाइल हो जाता है और चल देता है, कहीं पे छोटी छोटी आपको हिल्स देखने को मिल जाती है, तो टोपोग्राफी टूटी हुई है। ये यहाँ पे मिलने वाले कुछ ग्रासेस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद दूसरी है ड्राई सब ह्यूमिड टाइप, ये सब ह्यूमिड है यानी कि इसमें कुछ हद तक तो ह्यूमिडिटी है, तो ये आपको पूरे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है, यानी कि जो इंडिया का ये निचला भाग है इसमें आपको देखने को मिलती है एक्सेप्ट नीलगिरी, क्योंकि वहाँ पे हाइट्स इतनी है कि वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो इस तरीके के ग्रासलैंड आपको वहाँ पे नहीं मिलते। इनमें आपको जनरली थॉर्नी बुशेस देखने को मिलती है, कांटेदार बुश जैसे कि अकेशिया, जैसे कि बेर, और कई बार आपको यूफोर्बिया भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे आपका आ गया मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, इस वाले एरिया में बारिश थोड़ी ठीक ठाक होती है और ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक होती है, तो जनरली ये आपको नदी के किनारे देखने को मिलेगा, तो ये गंगा का एलुवियल प्लेन पूरा कवर करता है, तो गंगा का जो एलुवियल प्लेन है जनरली वो ऐसा रॉकी नहीं है और कहीं टूटा फूटा नहीं है, उसमें टोपोग्राफी जो है वो लेवल है, वो बराबरी पे है, लो लाइंग एरिया है ये, और ये इल ड्रेन्ड है क्योंकि ये गंगा के प्लेन्स हैं, इस वजह से यहाँ पे ओकेजनल फ्लडिंग भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ पेड़ और कुछ श्रब आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि अकेशिया या फिर अरेबिका। और चौथा है आपका है ह्यूमिड माउंटेन रीजन, यानी कि माउंटेन की बात कर रहे हैं हम, या फिर इसको और कहा जाता है थेमाडा अरुंडिनेला टाइप, ये बेसिकली माउंटेन वाले इलाकों में आपको देखने को मिलेगा जैसे आसाम मणिपुर वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अब इन एरियाज़ में आपको देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि इन एरियाज़ में जो वेजिटेशन है उसको तो ख़राब कर दिया गया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट था स्पेशली आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो इस वजह से क्या हुआ वहाँ पे अब वापस पेड़ ज़्यादा उग नहीं पाए, तो वहाँ पे सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड आपको देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे शीप ग्रेजिंग को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ग्रासलैंड की हमारी क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है, ह्यूमस कवर नहीं मिल रहा आजकल, इरोजन होता चला जा रहा है, जो आपकी जियोकेमिकल साइकिल्स हैं वाटर की कार्बन की नाइट्रोजन की वो आपस में ब्रेक हो जाती हैं, सॉइल के ऊपर जो मल्च का कवर है वो हट जाता है जिसकी वजह से उसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है, और मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से सॉइल अपने इरोजन की तरफ चल निकलता है। जो वहाँ का छोटा यानी कि माइक्रो क्लाइमेट है जो वहाँ पे मौजूद वेजिटेशन की वजह से बनता है वो ड्राई होता चला जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करवा रहे हैं और ड्राइनेस की वजह से डेजर्टिफिकेशन का एक दौर आने की संभावना हो जाती है, जिसमें ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स यहाँ पे इन्वेड कर लेते हैं। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट हैं जो बहुत कम पानी में सस्टेन करने की क्षमता रखते हैं, बेसिकली इन प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसीलिए ये कम पानी वाले इलाकों में भी सस्टेन कर सकते हैं जैसे कि डेजर्ट में आपको दिख सकते हैं, प्लस जैसे कि कुछ ठंडे इलाके जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है वहाँ पे भी आपको ये दिख सकते हैं। और इसी के साथ कुछ नई नई स्पीशीज़ भी वहाँ अपना हैबिटेट बना लेती हैं, इन्वेड कर जाती हैं, जैसे कि चूहे टाइप के एनिमल जो वहाँ पे मिट्टी में अपने बिल बना बना के फर्दर इरोजन कॉज कर देते हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ फायर। तो ग्रासलैंड्स को मैनेज करने में फायर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर फायर ना हो तो वहाँ पे फॉरेस्ट या फिर
श्रब्स टेक ओवर कर लें और ग्रासलैंड पूरा ख़त्म हो जाए और वहाँ पे एक नया फॉरेस्ट खड़ा हो जाए। लेकिन जो फायर होती है वो जनरली फेवर करती है ग्रास को, वो क्या है, वुडी जो प्लांट्स होती है उसको पहले जलाती है, तो इस वजह से वहाँ का नॉन नेटिव जो वेजिटेशन है वो उसको स्प्रेड नहीं होने देती और ग्रासेस को मदद करती है। और वहीं पे जो ग्रासेस होती हैं वो क्योंकि इन तरीके के इलाके में रहती है जहाँ पे फायर प्रेवलेंट है, तो वो फायर से अडेप्टेड होती हैं और वो जल्दी से वापस रीग्रो कर जाती हैं। और साथ में ही ये जो फायर होती है इसकी वजह से वहाँ का फोरेज यील्ड भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फायर यहाँ पे आपने देखा कि बेनिफिशियल है ग्रासलैंड्स के लिए। हालांकि फायर के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पोल्यूशन कॉज होता है, बहुत सारा वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फायर का यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग ग्रासलैंड की बात करें। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ इकोसिस्टम की तरफ, जो कि है डेजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअल लेवल पे हम जब बात करते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ रेन की वजह से कुछ एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा और डिफरेंट टाइप ऑफ फौना आपको मिलेंगे, उनके कुछ अडेप्टेशन होंगे वो हम आगे देखेंगे। लैक ऑफ रेन बेसिकली यहाँ क्यों होती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, हाई प्रेशर जोन में बारिश नहीं हो पाती। बारिश होने के लिए लो प्रेशर जोन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार रेन शैडो रीजन होने की वजह से भी आपके डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम लोग लैटिट्यूड के हिसाब से बात करें, तो जनरली अगर मिड लैटिट्यूड की बात करें, बीच में जो लैटिट्यूड है उनकी बात करें, तो वहाँ पे हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, इस वजह से आपके डेजर्ट बनते हैं। और उससे ऊपर की आप बात करें, यानी कि टेम्परेट लैटिट्यूड की बात करें, तो यहाँ पे आपके रेन शैडो रीजन की वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके डेजर्ट ऊंचे एल्टीट्यूड पे होंगे या फिर इक्वेटर से काफ़ी दूरी पे होंगे, तो वो कोल्ड डेजर्ट के तौर पे बनेंगे। अगर वो इक्वेटर के पास होंगे या ट्रॉपिक से पास होंगे, तो वो यहाँ पे हॉट डेजर्ट के तौर पे बनेंगे। डेजर्ट में कुछ पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो लगातार यहाँ पे आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, जैसे कि कैक्टस, जैसे कि क्रिसोटे बुश, और ये पूरे डेजर्ट बायोम में आपको इधर उधर फैले हुए दिखेंगे। डेजर्ट में वाटर जो है वो एक बेसिक लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ पे आपको जान के ताज्जुब होगा कि सॉइल बड़ी अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेन नहीं होती, पानी की कमी की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन पहुँचा दें, तो वो सॉइल भी आपकी प्रोडक्टिव सॉइल हो सकती है और वो भी एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सकती है। अब हम यहाँ पे अडेप्टेशन की बात करते हैं। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं भाई, उनको कम पानी में काम चलाना है तो कैसे चलाएंगे? एक तो सबसे पहले जनरली वो श्रब्स ही होते हैं, कोई बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे आपको वुडी प्लांट्स जनरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लीव्स होती नहीं, या फिर एब्सेंट होती हैं, या फिर बहुत छोटे साइज़ में होती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस होता है, ऊपर जो पानी उड़ के जाता है उसको यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकती, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसी वजह से बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं। या फिर यहाँ पे देखिए कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो उस साइज़ की लीव्स कई प्लांट्स में होती है, जिससे वाटर के लॉस को हम मिनिमाइज़ कर सकें। उसके अलावा जो लीव्स और स्टेम होती हैं वो सकेलेंट होती हैं, वो वाटर यहाँ पे स्टोर करती हैं। कई प्लांट में तो देखा गया है स्टेम में ही क्लोरोफिल होता है और वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि देखिए लीव्स यहाँ पे है नहीं या फिर बहुत छोटी हैं, तो फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो प्लांट है वो स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ये स्पेशली डेजर्ट वाले प्लांट्स की अडेप्टेशन है। और जो यहाँ पे रूट हैं, जो जड़ें हैं, वो बड़ी अच्छे से डेवलप्ड होती हैं और बहुत बड़े एरिया तक और बहुत गहराई तक फैली होती हैं, क्योंकि एक अंडरग्राउंड वाटर ही है जो वो कंज्यूम करके अपनी ग्रोथ में लगा सकती हैं, क्योंकि रेन का तो भरोसा नहीं कब बारिश हो कब ना हो, इसीलिए उस ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए इसमें जो रूट सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप्ड होता है और बहुत बड़े एरिया में वो फैला होता है। और अगर उनको जर्मिनेट करना हो, ब्लूम करना हो, रिप्रोड्यूस करना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही करते हैं। तो ये देखिए आपने प्लांट्स की कुछ अडेप्टेशन, अब हम देखते हैं एनिमल्स की कुछ अडेप्टेशन। देखिए जो एनिमल्स होते हैं जनरली वो तेज़ भागने वाले एनिमल्स होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, जिससे कि दिन में उनको निकलना ना पड़े और सूरज की रोशनी से वो बच जाएं, सूरज की हीट से वो बच जाएं, इसीलिए वो रात को जगते हैं और रात को ही शिकार पे अपना खाना ढूंढने निकलते हैं। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो पास करते हैं, जिससे कि वाटर उनका कंजर्व रहे। जनरली इनके लॉन्ग लेग होते हैं, जिससे कि ज़मीन से निकलने वाली हीट से ये कुछ हद तक अपनी बॉडी को बचा पाएँ। फिर अगर हम देखें लिजर्ड, वहाँ पे
तो मोस्टली वो इंसेक्टिवोरस होती है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए वो रह सकती है। अब बात आती है उन एनिमल्स की जो प्लांट के थ्रू न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। वो बेसिकली जो सीड कंज्यूम करते हैं, जो सीड खाते हैं, उनसे वो वाटर ऑब्टेन करते हैं। फिर वहाँ पे कैमल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। कैमल जो है वो काफ़ी लंबे जर्नी तय कर सकता है, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकता है बिना पानी पिए। हालांकि एक पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि जो मैमल्स हैं वो बड़े पुअरली अडेप्टेड होते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपका क्वेश्चन फंस सकता है। वो पूछ सकते हैं कि मैमल्स जो हैं वो अच्छे से अडेप्टेड होते हैं डेजर्ट्स के लिए, तो नहीं, मैमल्स काफ़ी पुअरली अडेप्टेड होते हैं। लेकिन कुछ स्पीशी ऐसी भी हैं जो कि यहाँ पे सेकेंडरली अडेप्टेड होती हैं, वो कुछ कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं जिसके तहत वो डेजर्ट में सस्टेन कर पाती हैं। अब हम चलते हैं भारत के डेजर्ट्स पे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थार डेजर्ट के बारे में, जो कि एक हॉट डेजर्ट है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बेसिकली आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट होगा, एरिड होगा क्लाइमेट, रेनफॉल बहुत कम होगी, और उस कम में भी और इरेगुलर होती है, यानी कि 3-4 साल हुई नहीं, फिर 1 साल हो गई, इस तरीके की रेनफॉल देखने को मिलती है। और इसी वजह से वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस प्रीवेल करती हैं। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जब डे टाइम में देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और वहीं नाइट टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो डे तो बहुत ज़्यादा आपका गर्म होगा और नाइट बहुत ही ज़्यादा आपकी ठंडी होगी। अप्रैल से जून के बीच में एक स्पेशल वहाँ पे विंड चलती है, जो बहुत गर्म हवा होती है, एकदम ड्राई होती है, उसको हम यहाँ पे लू भी कहते हैं, जिससे वहाँ के वेदर में और भी ज़्यादा एरिडिटी आ जाती है, और भी ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है और कंडीशन और ज़्यादा अनबियरेबल हो जाती हैं। यहाँ पे पूरे साल भर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम ही रहती है, और किसी भी तरीके के वेजिटेशन के लिए ये पर्टिकुलर एरिया होस्टाइल होता है, वहाँ पे वेजिटेशन डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। अब अगर डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। देखिए, डेजर्ट प्लांट को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये दो तरीके के प्लांट हमारे सामने आते हैं। एक तो प्लांट जो कि सीधा सीधा बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे वो प्लांट जो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपकी सतह के नीचे पानी है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसमें भी अगर हम बात करें कि जो डायरेक्टली रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक है एफिमरल्स और एक है पेरिनियल्स। क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशन है तो आपको मालूम है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो दो अडेप्टेशन तो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन कि पानी कहीं से ऑब्टेन किया जा सके। अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट जीवित नहीं रह पाएंगे, कोई भी वेजिटेशन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो पहली बात है कहीं से पानी ऑब्टेन करे प्लांट, और दूसरी बात है अगर वो ऑब्टेन कर लिया तो लंबे समय तक वो अपने अंदर बना के रखे। तो ऑब्टेन करने के लिए कई प्लांट्स की बहुत नीचे तक बहुत गहरी जड़ें होती हैं, जिससे क्या ग्राउंड वाटर वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर ले और उसी के अनुसार अपनी ग्रोथ को वो आगे बढ़ा सके। वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो हार्डी प्लांट्स होते हैं, यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट। वहाँ पे ड्रॉट से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे होते हैं हाइट में और जनरली कांटे होते हैं। जो कांटे हैं ये लीव्स का ही फॉर्म है, जो कि छोटी हो गई हैं, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। तो जनरली आपको वहाँ पे थॉर्नी प्लांट्स मिलेंगे, जिससे वाटर का लॉस बचाया जा सके। अब हम इसमें बात करते हैं पहले टाइप पे, यानी कि एफिमरल्स। इसको हम डेलिकेट एनुअल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई जीरो फाइलस अडेप्टेशन नहीं है, यानी कि ये कोई ज़्यादा समय तक वाटर को स्टोर नहीं करता। तो स्टोर नहीं करेगा तो कैसे जीवित रहेगा? भाई, जब बारिश होती है ये प्लांट तुरंत बारिश के बाद पैदा होता है, उसमें फूल निकलते हैं और जो भी फ्रूट्स निकलने हो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए निकलते हैं। और जैसे ही बारिश के बाद ऊपरी सतह सूख जाती है तो वैसे ही ये सारे प्लांट्स एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सिर्फ उतनी देर के लिए रहते हैं जितनी देर इस सॉइल की ऊपरी सतह में मॉइस्चर सस्टेन करेगा। अब अगर दूसरे की बात करें हम लोग, रेन पेरेनियल्स, तो देखिए पेरेनियल मतलब जो हर समय वहाँ पे मौजूद रहता है। तो ये जो हैं ये ऐसे प्लांट हैं कि भाई जब बारिश हुई तब ये प्लांट आपको ऊपरी सतह में दिखेंगे, लेकिन हमेशा पूरे सीजन में इनकी जड़ें तो नीचे मौजूद ही रहती हैं। तो इस वजह से इनकी पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम तो रहती ही रहती है, लेकिन जब रेनी सीजन होगा तो ऊपर आपको कुछ अलग अलग तरीके के ये प्लांट्स दिखेंगे। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ चलेंगे, जो
नीचे मौजूद पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि सब टेरेनियन वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंट है। ये जो प्लांट होते हैं ये नीचे से पानी कंज्यूम करते हैं, तो इसी वजह से इनको ज़ीरोफाइट्स होना ज़रूरी है, जो कि लंबे समय तक पानी स्टोर करके रख सकें और कम पानी में भी काम चला सकें। इनकी बहुत अच्छे से डेवलप्ड रूट सिस्टम होती है, क्योंकि अगर रूट सिस्टम ही नहीं होगा नीचे तो पानी कैसे ऊपर आप एब्जॉर्ब करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़ीरोफाइल्स अडेप्टेशन है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम लीव्स होती हैं, अगर होती भी हैं तो पतली पतली पेनी लीव्स होती हैं जिससे वाटर लॉस ना हो। यहाँ पे थिक हेयरी ग्रोथ होती है जिससे वापस से वापस वाटर लॉस ना हो और हीट का भी इम्पैक्ट इन पे कम से कम पड़े। एक वैक्स की कोटिंग होती है उसी हीट के इम्पैक्ट को बचाने के लिए। इनका क्यूटिकल जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक होता है, जिससे कि वापस वाटर लॉस ना हो सके, और स्टोमेटा जो है वो भी प्रोटेक्टेड होता है। इन सब चीज़ों मिलके जो है एम ये होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम किया जा सके। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में प्लांट छोड़ता है अपनी लीव से, लेकिन अगर आप पानी ऐसे ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आप यहाँ पे कैसे सस्टेन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे ज़रूरत है स्टोर करने की वाटर, इस वजह से ये सब अडेप्टेशन होती हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें कमी आ सके, वो धीमा हो सके। फ्लोरा में आप ये देख लें, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। और अगर हम फौना की बात करें तो आपको यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, ब्लैक बग देखने को मिलेगा, फ्लैमिंगोज के यहाँ पे नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, जो एकमात्र हमको पूरे विश्व में वाइल्ड एस की पॉपुलेशन पता है, एशियाटिक वाइल्ड एस, वो यहीं पर आपको मिलेगी ग्रेट रन में गुजरात के आसपास। और ये माइग्रेशन फ्लाईवे का भी हिस्सा बनते हैं क्रेन्स और फ्लैमिंगोज के। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे देश के कोल्ड डेजर्ट पे, यानी कि टेम्परेट डेजर्ट पे। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारे ठंडे इलाकों में मिलेगा, यानी कि लेह में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा और कारगिल में भी आपको ये मिलेगा। साथ साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्पीति वैली में आपको ये देखने को मिल सकता है, और कई पार्ट्स ऑफ उत्तरांचल और सिक्किम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब भाई ये ठंडे डेजर्ट्स हैं तो बने क्यों होंगे, वहाँ तो बारिश होती है। नहीं, वहाँ बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हिमालय के ये रेन शैडो रीजन्स में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ से अगर ये बादल ऊपर चढ़ेगा तो इस एरिया में बारिश करेगा, लेकिन इस पीछे वाले इलाके में बारिश नहीं होगी, तो ये रेन शैडो रीजन में आ जाएगा। और रेन शैडो रीजन में आने की वजह से ही यहाँ पे इन डेजर्ट्स का निर्माण होता है। यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। यहाँ पे जो टेरेन है वो आपको मालूम है बहुत ज़्यादा डेन्यूडेड है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, प्लांट और यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट कर देती है। कुछ ही गिने चुने आपको यहाँ पे एनिमल मिलेंगे, कुछ यहाँ पे आपको गिने चुने पेड़ मिलेंगे। एग्जाम्पल हैं ओक, पाइन या देवदार। एनिमल के एग्जाम्पल हैं याक मिलेगा यहाँ पे आपको, छोटी छोटी गाय मिलेंगे, ड्वार्फ काउज, और आपको गोट यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये डेजर्ट वाला इलाका है तो यहाँ पे रेन तो होगी नहीं, तो कंडीशन कैसी होंगी, एरिड, सूखी कंडीशन होंगी एकदम, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी ड्राई होगा। रेनफॉल जो है वो 400 mm से भी यहाँ पे कम होती है। और क्योंकि ये डेजर्ट वाला इलाका है तो जनरली यहाँ पे जो सॉइल है वो सैंडी रहता है, लेकिन कई बार वो कुछ हद तक लोमी भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपके बारिश नहीं है तो जो सॉइल आपका होगा वो आपका एल्कलाइन होगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मोस्टली 0 degrees से कम ही रहता है, और कई बार सर्दियों में -50 degrees तक भी पाया गया है। और नवंबर से मार्च तक के पीरियड में, यानी कि सर्दियों में, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल आपको देखने को मिलेंगी। सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि डीकम्पोजिशन यहाँ पे हो नहीं पाता अच्छे से, बैक्टीरिया का एक्शन यहाँ पे धीमा पड़ जाता है, और इस सॉइल की वाटर रिटेंशन केपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी भी कम है। क्यों, क्योंकि सैंडी है। तो देखिए, सैंडी में ऐसे बड़े बड़े कण होते हैं तो पानी यहाँ से नीचे चला जाता है, पानी को रोक के नहीं रख पाता ये। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा फौना में, अगर हम बात करें तो आपको एशियाटिक आइबेक्स, तिब्बतियन एंटीलोप जो कि चीरू कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करें। उसके अलावा तिब्बतन वाइल्ड एस, जिसको हम कियांग के नाम से जानते हैं, और जो एशियाटिक जो वाइल्ड एस है जो आपका गुजरात में रण ऑफ कच्छ पे मिलता है, उसका एक नज़दीकी रिलेटिव भी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे भराल देखने को मिलेगा, स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, और वाइल्ड डॉग भी देखने को मिलेंगे। फ्लोरा की बात करें तो ओक, पाइन जैसे पेड़ आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जनरली आपको ये ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, और यहाँ पे मीज़ोफाइट्स मिलेंगे। मीज़ोफाइट्स वो पौधे होते हैं जिनमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर में काम चल जाता है।
मतलब उनको बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आपको बेतुला, जूनिपर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन इस तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे जो परपेचुअल स्नो जोन है, जहाँ पे लगातार बर्फ जमी रहती है। उस एरिया में कोई भी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो सॉइल है वो परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है वो, तो वो किसी भी प्लांट को सस्टेन नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर लैंड पे जब डेजर्ट लाइक कंडीशन प्रीवेल करने लगती हैं। डेजर्ट लाइक कंडीशन का क्या मतलब? जब उसका पोटेंशियल जो है वो ख़त्म होता चला जाता है। क्यों? डेजर्ट जो होता है वो जनरली बंजर ज़मीन होती है, उसमें कोई भी प्लांट बहुत बड़ी तादाद में या बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते, वेजिटेशन बहुत कम होता है। जब धीरे धीरे इस पर्टिकुलर लैंड का पोटेंशियल कम होता चला जाता है और इसमें डेजर्ट लाइक कंडीशन प्रीवेल करने लगती है, तो हम कहते हैं भाई डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो गया। और ऐसा अगर चीज़ को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में ये पूरी तरह ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाएगा। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन आ रहा है। फिर से वही बात हम कहेंगे कि भाई डिमांड बढ़ती जा रही है तो डिमांड को मैच करने के लिए सप्लाई लाना पड़ेगा। तो सप्लाई कहाँ लाएंगे आप? जो भी पोटेंशियल लैंड है उसको वहाँ से आप वहाँ से पेड़ पौधे काट रहे हैं, वहाँ पे अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिसके चलते उसका जो पोटेंशियल है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। कैटल की पॉपुलेशन बढ़ रही है जिससे कि ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड का पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है। एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है तो वहाँ का वेजिटेटिव कवर ख़त्म हो रहा है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कि पॉपुलेशन प्रेशर से ही रिलेटेड हैं वो भी बढ़ रही हैं। और फाइनली डीफॉरेस्टेशन हो रहा है इन सभी के चलते, जिससे आपके लैंड का पोटेंशियल कम हो रहा है। इसके बाद हमने एक फिगर यहाँ पे उठाया है जिसमें डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2007 के हिसाब से भारत में 69.6% ऑफ द लैंड जो है वो ड्राई लैंड में कंसिडर होता है। तो यानी कि ये जो लैंड है ये वल्नरेबल है कि कल को ये लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पे ये डेजर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं से प्रेवलेंट हो सकता है। लेकिन भारत ने इससे लड़ने के लिए एक यूएन का कन्वेंशन साइन करा है, यूएन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इंडिया ने अपने लोकल लेवल पर कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, मनरेगा, सॉइल का कंजर्वेशन प्रोग्राम किया है हमने, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी किए हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं। तो ये सभी प्रोग्राम के तहत हमने कोशिश की है डेजर्टिफिकेशन को किस तरीके से हम रोक सकें और अपने सॉइल को हम वापस से फर्टाइल और प्रोडक्टिव बना सकें, उसका पोटेंशियल बचा सकें। तो भाई नीड ऑफ द आर है कि आप अफॉरेस्टेशन की तरफ स्विच करें। डेजर्ट में अफॉरेस्टेशन करने से आप वहाँ के क्लाइमेट को मॉडिफाई कर पाएंगे, आप सॉइल की फर्टिलिटी लौटा पाएंगे और आप लैंड को बचा सकेंगे उसके पोटेंशियल ख़त्म होने से। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद हो रही होगी और ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। इस सीरीज़ के दौरान आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।